अधिनियम 2019 हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले नागरिकता क्या है, इसका वर्णन कर। देखिए, ये नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, इसका वर्णन संविधान के अनुसूची दो में और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में वर्णन किया गया। नागरिकता का वर्णन संविधान के अनुसूची 2 और आर्टिकल 5 से 11 में यह वर्णन किया गया है। अब देखिए, यह बिल क्या था। सबसे पहले इसमें देखिए वर्ड आया है एनआरसी। एनआरसी का पूरा क्या होता है, एन से नेशनल, आर से रजिस्टर्ड, सी से सिटीजनशिप। ये एक वर्ड आया था एनआरसी। दूसरा वर्ड है सीएबी। ये क्या हुआ, सी से सिटीजन सिटीजनशिप, ए से अमेंडमेंट और बी से बिल। एक आया वर्ड सीएए, उसी तरह से सी से सिटीजन सी, ए से अमेंडमेंट और फिर ए से एक्ट। ये वर्ड का इसमें चर्चा किया गया है, उसका हम फुल फॉर्म बताएं। अब देखिए, ये बिल किस दिन क्या हुआ। सबसे पहले 4 दिसंबर 2019 यानी 4 दिसंबर 2019 में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। उसके बाद 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। लोकसभा के द्वारा पारित हो गया कि 11 दिसंबर 2019 को 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा भी इस बिल को पारित कर दिया था। ये 4 दिसंबर को मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी मिल गई थी, 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया था और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा भी पास कर दिया गया इस बिल को। अब देखिए, अब यहां पे हम लिख रहे हैं ये 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, यानी इस दिन बिल कानून बन गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राज्यसभा लोकसभा से पास होते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति का साइन होता है। तो ये 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के द्वारा साइन हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, आपको हम ये बता रहे हैं, यहाँ पे एक डेट की चर्चा और करेंगे जो 19 जुलाई 2016 की बात है,
विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश किया गया था। ये 19 जुलाई की बात है, 2016 में, 19 जुलाई 2016 में ये बिल लोकसभा में लाया गया था सबसे पहले। यहां तक हो गया। इस विधेयक में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन का प्रावधान है। इस विधेयक में क्या बताया, नागरिकता अधिनियम 1955 का प्रावधान है। इसके तहत तीन कंट्री, कौन कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन कंट्री है इसके अंतर्गत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन तीन देश के 6 अल्पसंख्यक, ये 6 अल्पसंख्यक कौन कौन से होंगे, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैसे फिर से देख लीजिए, इन तीन देश के वो अल्पसंख्यक समुदाय होंगे जो बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख और हिंदू। से संबंधित गैर मुस्लिम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब हम ये बता रहे हैं आपको, ये विधेयक तीन पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के लिए प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता सिद्धांत के तहत प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता सिद्धांत के तहत 11 वर्ष की आवश्यकता 6 वर्ष कर दिया गया। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, ये संविधान या ये विधेयक संविधान की 6 अनुसूची के तहत, इसके तहत 4 राज्य आते हैं, कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 6 अनुसूची के तहत जो राज्य, 4 राज्य आते हैं, वो 4 राज्य में ये लागू नहीं होगा। और यहाँ पे एक बात और याद रखना है कि इनर लाइन परमिट शासन जिस राज्य में है, क्या चीज, इनर लाइन परमिट शासन जिस राज्य में है, यानी कौन कौन सा राज्य में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है और नागालैंड में है और एक मिजोरम में, इसमें भी ये विधेयक लागू नहीं होगा। देखिए, एक वर्ड यहां पे और बताना चाह रहे हैं कि किस आधार के द्वारा ये नागरिकता दिया जाएगा। तो एक कार्ड होगा
ओ सी आई का पूरा नाम हुआ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या नाम हुआ? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ओसीआई का पूरा नाम हुआ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कार्ड धारकों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है अगर इस ये कार्ड जिसको मिल गया है उन्होंने इस कार्ड को मिलने के बाद अगर देश के नियम का, संविधान के नियम का उल्लंघन किया है तो ये कार्ड उनकी रद्द हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेंगे। विधेयक के मुद्दे क्या क्या हैं, अब इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। पहला, विधेयक अवैध प्रवासियों को धर्म के आधार पर नागरिकता के योग्य बनाता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 यानी समानता का अधिकार, 14 और 15 में है समानता का अधिकार, तो 14 और 15 का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा है, विधेयक किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए ओ सी आई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने की अनुमति देता है। हालांकि उल्लंघन की सीमा स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। तीसरा मुद्दा बता रहे हैं, यह विधेयक असम समझौते की अनदेखी करता है जिसे बांग्लादेश से बहुसंख्यक अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, जिन्होंने वर्ष 1971 के बाद असम में प्रवेश किया था। ये विधेयक के मुद्दे हो गए। अब देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं भारत में नागरिकता। भारत की नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानूनी प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में निहित है। यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए एक अधिनियम है। भारत की नागरिकता बर्थ यानी जन्म, वंश यानी डिसेंट, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन, क्षेत्र के समावेश, अवसान मतलब होता है टर्मिनेशन, इसके बाद अपरिग्रह, दूसरे देश के अधिग्रहण तथा के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के लागू होने की तिथि 1 जुलाई 1987 थी से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद या अधिनियम के लागू होने से पहले और उसके बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति और जिनके माता पिता उनके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं वे जन्म से भारत के नागरिक होंगे।